दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केरला से एक मुस्लिम जवान पैदल हज के लिए निकल चुका है, मैं आपको आज के इस वीडियो में उनके बारे में कुछ खास खबर बताने जा रहा हूं और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनका इरादा ऐसे पैदल हज को जाने का क्यों हुआ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, जो सिहाब नामी शख्स है, ये सऊदी अरब में भी काम कर चुके हैं और जब ये सऊदी अरब में काम करते थे तो उसी वक्त इन्होंने हज पर जाने का इरादा किया था। दोस्तों, इसी के मुताबिक ये पता चला है कि सऊदी अरब में काम करते थे यानी जॉब करते थे, तो उन्होंने वहीं पर कहा था कि मैं इंशाअल्लाह पैदल हज पर आऊँगा। तो इसी के ताल्लुक से वो काफ़ी परेशान थे। इनका इस इरादे को लेकर पूरा एक साल चला गया, यानी पूरा एक साल बीत गया। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर कोई यूँ शख्स यूँ चाहे कि मुझे पैदल हज के लिए जाना है तो वे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ रूल होते हैं। उन सभी की इजाज़त लेने के लिए एक टाइम लगा, यानी एक साल पूरा बीत गया दोस्तों सऊदी अरब की हकूमत से इजाज़त लेने के लिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब की हकूमत को ये पता चला कि सिहाब नाम का एक शख्स पैदल हज के लिए निकल चुका है, तो भी काफ़ी ताज्जुब हुआ कि एक शख्स जो कि पैदल के लिए निकल चुका है, आखिर ये फैसला किस तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब की हकूमत ने इजाज़त दे दी, फिर सिहाब ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। दोस्तों बता दें, अब ये बात आती है कि सिहाब रोजाना कितने किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों बता दें कि सिहाब रोजाना लगभग 25 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेते हैं। बता दें, और इनका जो आराम करने का समय होता है, यानी रात को जो सोने का समय होता है, वो किसी होटल या किसी घर पर नहीं बल्कि शाम को किसी मस्जिद में रुकते हैं और सुबह होते ही अपनी मंजिल पर चल पड़ते हैं। नहीं होती तो वहाँ पर ये कैसे रुकेंगे? उन्होंने कहा कि चलते चलते आगे कहीं से कुछ सामान खरीद लूँगा, यानी तंबू खरीद लूँगा और उसे गाड़ कर वहीं पर आराम करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सिहाब नामी शख्स हैं उनका जगह जगह पर इस्तकबाल किया जा रहा है, यानी इनका लोग बाग स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि एक मरियम के शख्स ने कहा है कि हमें इनका इस्तकबाल करना चाहिए, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लिया और ये बड़ी ही पाक साफ जमीन पर जा रहे हैं, इसलिए हमें इनका पुरजोर इस्तकबाल करना चाहिए। बता दें कि ये 21वीं सदी के पहले मुसलमान हैं जो इस तरीके से पैदल हज यात्रा पर निकल चुके हैं। देखिए, पहले सिहाब का ये कहना था कि जो पहले ज़माने के शख्स थे उनके किस्से सुन रखे हैं जो पैदल हज यात्रा को जाया करते थे। दोस्तों, उनका कहना था कि जो पहले ज़माने के बुजुर्ग थे वो इस दुनिया से चल चुके हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी के किस्से हमने नहीं सुने, लेकिन फिर भी मैंने पैदल जाने का रास्ता चुना है, क्योंकि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं पैदल हज को जाऊँ और ये मेरी दिली ख्वाहिश और दिल की तमन्ना थी कि मैं पैदल हज को जाऊं। दोस्तों बता दें कि सिहाब तकरीबन 8600 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेंगे, मक्का के अंदर पहुंचेंगे, तभी लगभग 2023 के फरवरी में शायद ये पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यानी एक साल पैदल सफ़र करना है और बता दें इन्हें लगभग चले हुए 2 महीने भी बीत चुके हैं।